बड़ी खबर मिल रही है, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में मौजूद होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। दीपोत्सव के साथ अयोध्या में लेजर शो भी होना है। पीएम मोदी भी दीपोत्सव में शामिल होंगे, इसका हिस्सा होंगे और इसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में इसके साक्षी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके साथ आपको बताएं, अयोध्या में लेजर शो भी होना है। भगवान श्री राम के जीवन को चित्रांकित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए लेजर शो का सहारा लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अयोध्या को सजाने का दीपों से बड़ा कार्यक्रम, तो देखिए 23 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन एबीपी गंगा की टीम पहुंच चुकी है अयोध्या में। किस तरीके की वहां पर तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अब दियो को वहां पर सजाने का काम शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, गुंजन दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अवधेश, क्या तैयारी इस वक्त वहां पर है, तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरीके की तैयारी अयोध्या में चल रही है 23 तारीख के लिए। बिल्कुल, देखिए तैयारियां अपने चरम पर हैं और बस इंतजार प्रधानमंत्री का है, क्योंकि भव्यता जो है हम सीधा तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए जो लेजर शो है, इस बार इसको 12 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी कि 12 तरीके के लेजर शोज होंगे और 12 तरीके से रामकथाएं दिखाई जाएगी, प्रधानमंत्री देखेंगे। और इस वक्त उसी लेजर शो का ट्रायल राम की पैड़ी पर चल रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस लेजर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। अगर हम कार्यक्रम की बात करें अनु, तो 32 घाट में ये दिए रखे जा रहे हैं। लगभग एक घाट पर 60,000 दिए रखे जाएंगे और कुल मिलाकर राम की पैड़ी पर 15,00,000 दिए जलाएंगे। देखिए दिए भी सजा दिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि पुराने जो बुरे अनुभव रहे हैं कि छोटे दिए होने की वजह से वह दिक्कत ये आती थी कि दिया जल्दी बुझ जाता था या तेल डालने में दिक्कत होती थी, तो दियो का साइज बड़ा किया गया है। 15,00,000 दिए राम की पैड़ी पर होंगे और 2,00,000 दिए अयोध्या के मठों में, मंदिरों में, जो चौक चौराहे हैं वहां पर ये रहेंगे। तो देखिए आप किस तरीके, हर किसी के हाथ में मोबाइल दिखेगा, हर किसी के हाथ में सेल्फी दिखेगी और हर कोई इन पलों को अपने आंखों में सजो लेना चाहता है। ये वही लेजर शो इस वक्त हम लोग दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस जरूरी है कि भव्यता की। और थोड़ा हम शहर दिखा देते हैं आपको। देखिए पूरे अयोध्या में लगभग 100 गेट ऐसे बनाए गए हैं। आप देखिए जगमगाता हुआ एक गेट है और किसी को राम गेट का नाम दिया गया है, किसी को लक्ष्मण गेट का नाम दिया गया है। तो पूरे अयोध्या में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, बिल्कुल जब आप पूरे अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं तो हम अयोध्या के एक और सिरे पर ले जाएंगे। एक छोर पर हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित मौजूद है। गुंजन कहाँ पर मौजूद है? गुंजन के आसपास भीड़ दिखाई दे रही है, पीछे भी रौनक दिखाई दे रही है, तस्वीरों के साथ डिस्क्राइब करेंगे। गुंजन कहाँ पर है आप? बिल्कुल स्नेहलता, राम की पैड़ी पर ही मैं मौजूद हूँ। अवधेश दूसरे सिरे से आपको यहाँ की भव्यता को दिखा रहे हैं, यहाँ की सजावट को दिखा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी श्री राम के आगमन को लेकर अयोध्या वासियों ने की है। और इस बार तो अयोध्या का दीपोत्सव अपने आप में खास है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहली बार दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं ये जरूर हम आपको बताएंगे। मेरे साथ आप कुछ लोगों को देख सकते हैं। जब से मैं यहाँ पर स्नेहलता आई हूँ, ये लोग जय श्री राम के जयकारे कर रहे हैं, श्री राम के आगमन से पहले तैयारियां कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बातों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आप यहीं के रहने वाले लगते हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं अयोध्या जी के ही। और आज अयोध्या का दर्शन करके इतना आनंद अनुभूति हो रही है कि वर्षों के उपेक्षा के शिकार अयोध्या आज अपना श्रृंगार कर रही है। भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और भगवान की बड़ी कृपा है। तो आज की खूबसूरत अयोध्या पर कुछ बेहतरीन सा सुना दीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो उस समय भी आनंदित थे, वर्षों का प्रतीक्षा थी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अल बेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अल बेले राम। गुंजन जहाँ पर आप मौजूद हैं वो जगह, वो अयोध्या, भगवान श्री राम की भूमि गुंजायमान है इस वक्त भजनों से। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, गुंजन इन तस्वीरों के साथ तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।